15th one, for the following values of x and y, the equation of best fit parabola y equals to a plus bx square is. आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए और डेटा भी दिया हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसके नॉर्मल इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं और टेबल फॉर्म करने का भी जरूरत नहीं, बस आप वैल्यू को चेक करते जाइए। जैसे यहाँ पे 0-2 है, तो अगर मैंने 0 डाला एक्स का वैल्यू, तो मुझे देखिए यहाँ पे -2.7 मिल रहा है, यहाँ पे -2.7, बट वाई का वैल्यू कितना 2, यहाँ पे +2 है, जो कि ऑप्शन ए और सी के अंदर दिख रहा है मुझे। 2.7 और 2.7 मतलब ए और सी के बीच में आंसर रहेगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, सेकंड सेट को पुटअप कीजिए। यहाँ पे अगर मैंने 1 पुटअप किया है यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर इज व्हाट 1, सो पहला क्वांटिटी आता है इट इज व्हाट 1.26 और सेकंड क्वांटिटी आता है 4.14। अब मुझे बताइए 4 के करीब कौन सा है, 4.14 मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आप इसको इससे भी चेक कर सकते हैं, 2 और 10 भी आप पुटअप करके देखिए और कौन सा मोर करेक्ट आ रहा है उसको आप वेरीफाई कर लीजिए। सो हियर द ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is one of the normal equation of y equals to ax square plus b, बस constant को यहाँ पे interchange कर दिया है। तो पहला normal equation देखते हैं, ये लिखा हुआ है summation of x y। अब देखिए यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो summation of x y तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो पहला option है ये गलत हो गया completely। दूसरा देखते हैं, summation of y है yes, then a into summation of x square है, it is also okay, then b into summation of n into b। अब देखिए b का जो coefficient है 1, उसे आपने multiply कर दिया इसको और उसके बाद फिर आपने summation लिया, तो जगह समेशन ऑफ y इक्वल्स टू a समेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस n इनटू b, तो ऑप्शन b हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। c को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये समेशन ऑफ y इक्वल्स टू n इनटू a। अब n इनटू a मतलब देखिए यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कितना है, इज व्हाट x स्क्वायर, तो n इनटू a तो आएगा ही नहीं, बिकॉज कांस्टेंट अगर रहेगा तो ही n इनटू a आता है, तो ऑप्शन c यहाँ पे इनकरेक्ट है और d तो है ही नहीं, बिकॉज b हमको आंसर मिल चुका है। देयरफॉर द ऑप्शन b इज करेक्ट हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 17, Which of the following is one of the normal equation of y equals to ax to the power b? अब ये जो example है ये power curve का, तो power curve को जब भी हम solve करते हैं ना, तब आपको क्या करना है, पहले logarithm ले लेना both the side। So I said is what taking log to both the side, then we get, अगर मैंने logarithm लिया तो जगह it is what log y equals to log of a x to the power b, तो जगह it is what log a plus log of x to the power b। This will be written as it is what log a plus। अब यहाँ पे आप logarithm property apply कीजिए, ये जगह b log it is x और LHS में हमारे पास it is what log y। ये simplification हमने किया after taking the logarithm। अब मुझे normal equation जो दी है वो log के term में दिए हुए हैं। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास constant क्या क्या हो गए, log ही मेरा एक constant रहेगा और एक b मेरा एक constant रहेगा और variable वाले term log y और log x रहेंगे। तो अगर आप नॉर्मल इक्वेशन लिखते हो, पहला नॉर्मल इक्वेशन, तो सपोज मैंने लॉग ए मेरा पहला कांस्टेंट लिया, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन लेंगे इसका, तो कितना आता है ये देखिए, ये हो जाएगा समेशन ऑफ इट इज व्हाट लॉग वाई इक्वल्स टू, अब ये तो कांस्टेंट है, एन टाइम्स ऐड होगा, एन इंटू इट इज व्हाट लॉग ए प्लस बी इंटू समेशन ऑफ इट इज लॉग एक्स। ये मेरा पहला नॉर्मल इक्वेशन हुआ। सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन जो बी का कोएफिशिएंट है मतलब लॉग एक्स, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसका सम लीजिए, तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट समेशन ऑफ लॉग एक्स लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग, ये तो कांस्टेंट है हम समेशन लेंगे, देन इट इज व्हाट देन लॉग एक्स के ऊपर, मैं लॉग एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कंप्लीट इक्वेशन को, देन बी इंटू समेशन ऑफ इट इज लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दो नॉर्मल इक्वेशन मुझे मिले, अब ये कौन सा वाला इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। देखो समेशन ऑफ लॉग एक्स लॉग वाई दिया हुआ है, लॉग ए इंटू समेशन लॉग एक्स एंड देन बी समेशन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। और ऑप्शन ए में देखिए लॉग एक्स वाई आ रहा है, तो ऐसा कोई तो टर्म ही हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जा रहा है यहाँ पे। वैसे ऑप्शन बी में भी लॉग ऑफ एक्स वाई आ रहा है, तो ये भी कम्प्लीटली रॉन्ग हो जा रहा है, बिकॉज लॉग एक्स वाई का मतलब होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई का, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 18th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू ए बी टू द पावर एक्स। अब देखिए ये कर्व डिफरेंट है उस कर्व से, तो हम क्या करेंगे अभी इस इक्वेशन को भी हम यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग द लॉगरिथम। अगर मैंने लॉग बोथ साइड लिया तो जाएगा लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ इट इज ए बी टू द पावर एक्स। अब आप यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी टू द पावर एक्स, उसके बाद इसको हम लिखते हैं इज व्हाट लॉग ए प्लस एक्स लॉग बी, और ये जगह इज व्हाट लॉग वाई यहाँ पे। अब मुझे नॉर्मल इक्वेशन निकालने, तो कैसे निकालेंगे, मेरा जो कांस्टेंट है कौन कौन से यहाँ पे लॉग ए और लॉग बी, ये मेरे कांस्टेंट हो गए, तो लॉग ए का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है और समेशन लेना है, तो पहला नॉर्मल इक्वेशन आएगा समेशन ऑफ लॉग वाई इंटू एन लॉग ए प्लस लॉग बी, तो कांस्टेंट है मेरा, समेशन आएगा इट इज वो एक्स के ऊपर,
उसके बाद देखिए log b का कोएफिशिएंट क्या इज व्हाट x, तो आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद समेशन लेना है। तो समेशन ऑफ x log y इक्वल्स टू log a तो कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा समेशन ऑफ x प्लस इट इज log b भी हम कर रहा कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा समेशन ऑफ x स्क्वायर। तो ये दो नॉर्मल इक्वेशन मुझे यहां पे मिले हैं, तो चेक कर देंगे कौन सा करेक्ट है। तो यहां पे देखिए सब में log y आपको दिया हुआ है ऑप्शन में, तो log y यहां पे है, उसके बाद a log n दिया हुआ है, तो a log n तो हमारा कंप्लीटली रॉन्ग है बिकॉज मेरे पास n log a आना चाहिए पहले नॉर्मल इक्वेशन के हिसाब से। यहां पे n log a है और log b इनटू समेशन ऑफ x, मतलब ऑप्शन b यहां पे मुझे करेक्ट लग रहा है। और ऑप्शन c में देखिए यहां पे log x समेशन ऑफ b दिया हुआ है, तो समेशन ऑफ b तो आना नहीं चाहिए बिकॉज हम समेशन ओवर द वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्टेंट पे नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन c यहां पे हमारा इनकरेक्ट रहेगा, a भी इनकरेक्ट रहेगा, ऑप्शन b इज द करेक्ट ऑप्शन एंड विच इज रिटन हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 19। For the following values of x and y, the equation of the best fit curve y equals to ab to the power x is. अब इसे कैलकुलेट करना मतलब थोड़ा सा लेंदी काम है बिकॉज लॉगरिदम लेंगे फिर हम टेबल बनाएंगे नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे, बहुत लेंदी चीज है। तो शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था, ये जो वैल्यूज है इससे आप वेरीफाई कर लो कि इसमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं जहां पे सपोज मैं y 144 लेता हूं और x का वैल्यू लेता हूं 2, और इसे अगर हम यहां पे पुट अप करते हैं 1.2 टू द पावर इट इज अबाउट 2 और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये आता है डायरेक्टली 144। तो पहले वैल्यू के लिए तो हमारा डायरेक्टली प्रूव हो रहा है। सेकंड वैल्यू पर अगर हम चेक करते हैं सपोज मैंने यहां पे 3 पुट अप किया तो मुझे ये मिलता है 172.8, तो पहला ऑप्शन ही हमारा यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन ए वैसे करेक्ट रहेगा। आप बाकियों में पुट अप करके देख लीजिएगा, देखिए अब ये तो माइनस आ रहा है तो ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है और ये भी कंप्लीटली रॉन्ग है बिकॉज मेरे पास जो वाई की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। आप डी में पुट अप करके देखिएगा क्या ऑप्शन आता है करके, वैसे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आ रहा है, दिख रहा है कि मुझे डेटा हमारा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू ए ई टू द पावर बी एक्स। अब इसके नॉर्मल इक्वेशन अगर मुझे निकालना है तो सेम वे से हम निकालेंगे, पहले तो हम गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है उसको हम लॉगरिथम ले लेंगे, तो उसको हम लिखेंगे log y equals to it is what log a plus log e to the power bx। मैंने यहाँ पे logarithmic property अप्लाई किया log of a into b वाला, उसके बाद इसको हम लिखते हैं इज व्हाट log a plus। अब यहाँ पे देखिए log ही जो है ना कैंसिल नहीं होगा बिकॉज हम जो log लेते हैं वो बेस टू 10 लेते हैं यहाँ पे, तो ये log ही हमारा कैंसिल नहीं होगा, हम यहाँ पे logarithmic property अप्लाई करेंगे और इसको हम लिखेंगे bx into it is what log e, और LHS में अगर इज व्हाट log y, हम log बेस टू 10 ले रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। अब मुझे बताइए कांस्टेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे, log a मेरा कांस्टेंट रहेगा और b इंटू log e ये मेरा कांस्टेंट रहेगा जिसका कोएफिशिएंट हमारा x रहेगा। अब मुझे नॉर्मल इक्वेशन लिखना है तो पहला मैं जो कांस्टेंट है log a इसका जो कोएफिशिएंट है 1 उससे मल्टीप्लाई करता हूं और इसका समेशन लेता हूं, तो मुझे मिलेगा इज व्हाट समेशन ऑफ log y इक्वल्स टू n इंटू log a प्लस, अब यहां पे कांस्टेंट क्या है b और log e, तो समेशन सिर्फ x के ऊपर होगा, तो आप b और log e एक साथ लिख सकते हैं और हो जाएगा समेशन ऑफ x। और इसका देखिए कांस्टेंट कौन सा है b और log e, इसका कोएफिशिएंट मेरे पास x है, तो अब मैं x से मल्टीप्लाई करके यहां पे नॉर्मल इक्वेशन लिखूंगा, हो जाएगा समेशन ऑफ इट इज व्हाट x log y इक्वल्स टू log a कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया समेशन ऑफ x, उसके बाद आपने b log e बाहर निकाल दिया और लिखा समेशन ऑफ इट इज व्हाट x स्क्वायर। ये दो नॉर्मल इक्वेशन आए मेरे, चेक करते हैं कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल इक्वेशन log y के टर्म में लिखे हुए, तो समेशन log y मेरे पास है, n log e भी हमारे पास है, b log e और समेशन ऑफ x, मतलब ऑप्शन a मुझे करेक्ट दिख रहा है जो कि हमारा फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है। सेकंड ऑप्शन देखते हुए रॉन्ग क्यों है, यहाँ पे देखिए a log n आ गया, हमारे पास n log a चाहिए था, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन b इनकरेक्ट रहेगा। उसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं, तो यहाँ पे समेशन log y n log a मेरे पास है, बट यहाँ पे समेशन में उसने कांस्टेंट को ले लिया समेशन ऑफ b log e, तो हम जो समेशन लेते हैं हमेशा वेरिएबल टर्म का लेते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर एंड दैट वी हैव मेंशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 21। फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y द इक्वेशन ऑफ द बेस्ट फिट कर्व y इज इक्वल टू a e टू द पावर bx इज, तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं, आप देखिए इसमें से कौन सा वाला जो डेटा है वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को एंड दैट विल बी द करेक्ट, वो आप करके देखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है करेक्ट और आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ए में माइनस है और डी में माइनस है, तो ये ए और डी तो एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन बी और सी में से रहना चाहिए। सो यहाँ पे आप ऑप्शन सेकंड वाला पुट अप करके देखिए बिकॉज पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें जीरो है, तो इट द पावर जीरो वन होता है, इट द पावर जीरो वन होता है, तो वहां पे तो आपको डायरेक्टली 4.642 आ जा रहा है, तो अब ऑप्शन बी मतलब 2 पुट अप करके देखिए यहाँ पे एक्स और फिर कितना वैल्यू आता है उसे चेक कीजिए। मैंने इसे वेरीफाई किया हुआ है, वैसे इसका आंसर 11.64 आता है अगर आप वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पे एक्स का 2 जो कि 10 के करीब होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन
two variables are said to be dash if increase or decrease in one variable is accompanied by increase or decrease in other variable. It is very simple. It is a definition of actually correlation. अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल अगर डिक्रीज या इंक्रीज होता है मतलब दोनों रिलेटेड रहते हैं देन दे आर सेड टू बी इट इज व्हाट कोरिलेटेड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23. कार्ल पियर्सन डिफाइन द कोएफिशिएंट आर. स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए. यह होता है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर. तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट रहेगा. 24. द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज वैरीज बिटवीन that is minus 1 to plus 1. इसको हम ऐसा लिखते हैं that is r lies between is what minus 1 to plus 1. coefficient of correlation से हम define करते हैं कि कितने degree से हमारे जो variable x और y है वो correlated है और वो degree हम define करते हैं minus 1 से plus 1 के बीच में. देखिए अगर r का value हमारा 0 आता है इसका मतलब होता है कि variables are uncorrelated मतलब उनमें कोई correlation नहीं है. अगर मेरा r का value 1 आता है तब हम कहते हैं there is a perfect positive correlation. और अगर मुझे r का वैल्यू माइनस वन आता है तो देर इज अ परफेक्ट वी कैन से नेगेटिव कोरिलेशन. इफ r इज लाइज बिटवीन माइनस वन टू इट इज वॉट जीरो तब हम कहेंगे इट इज वॉट नेगेटिव कोरिलेशन. इफ r इज लाइज बिटवीन इट इज वॉट जीरो टू वन देन वी से इट इज वॉट पॉजिटिव कोरिलेशन. तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है बिकॉज इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. बट यहाँ पे दो ऑप्शन सी करेक्ट है दैट इज r लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 25. द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज इट इज x इक्वल्स टू. देखिए अभी x इक्वल्स टू दिया है मतलब ये y ऑन x नहीं रहेगा. सेकंड वाला देखते हैं y इक्वल्स टू a0 प्लस a1x. यस दिस विल बी द y ऑन ऑफ x बिकॉज़ आपको y इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट किया हुआ है. यहां पे अगर हम देखते हैं तो y इन टर्म्स ऑफ y ही दिया हुआ है तो ये भी नहीं रहेगा. हमारा ऑप्शन गलत है. यहां पे y इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर दिया हुआ है और रिग्रेशन लाइन हमेशा लीनियर होती है बिकॉज इट इज अ लाइन तो सेकंड डिग्री में आएगा नहीं. ये हमारा पैराबोला हो गया तो ऑप्शन डी भी यहां पे इनकरेक्ट है और ए भी इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. That is the regression line y on x. और वही हम x on y कैसे लिखते हैं. अगर मुझे लिखना है तो that will be x equals to हम ले रहे थे b0 plus b1 y. This will be the regression line x on y. So here for this question option b is correct. Moving to the next question example number 26. The equation of the line of regression y on x is useful to predict the value of. Option हमारे पास है y, x, both x and y and none of this. अब रिग्रेशन लाइन y on x हम कैसे लिखते हैं. y equals to भी हमने देखा a0 plus it is what a1x. तो a0 a1 तो मेरे कांस्टेंट है x मेरा वेरिएबल है तो इसका मतलब है मेरा जो y है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर x के ऊपर. मतलब अगर x चेंज होगा तो y चेंज होगा. तो यहां से इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस रिग्रेशन लाइन y on x इज यूजफुल टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ इट इज व्हाट y. तो यहां से हम y निकाल सकते हैं. सो देयरफॉर द ऑप्शन a इज करेक्ट हियर एंड व्हिच वी हैव रिटन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 27. The equation of the line of regression x on y is useful to predict the value of. X on y का equation कैसा रहेगा बताइए. x equals to this b0 plus b1 y. तो यहां से हम कौन सी value predict कर सकते हैं. x की value कर सकते हैं. मतलब option b is the correct option here. And the next question that is 28. If r equals to 0 then lines of regressions are parallel, coincide, perpendicular and none of this. Okay, one thing you remember, हम angle between the two lines of regression कौन से formula से निकालते हैं. इस formula से that is tan theta equals to 1 minus r square upon r into it is sigma x sigma y upon sigma x square plus sigma y square. अब यहां चेक कीजिए अगर मैंने r का वैल्यू 0 ले लिया तो सपोज यहां पे 0 हो गया ये 0 हो जाएगा बट 1 by 0 क्या होता है इट इज व्हाट इनफिनिटी. तो इसका मतलब मेरा tan theta क्या हो जाएगा इट इज व्हाट इनफिनिटी. अब ये वाला जो चीज है मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएबल x और वेरिएबल y है तो ये मेरे पॉजिटिव वैल्यूज रहने वाले हैं इसलिए मेरा tan theta क्या रहेगा इट इज व्हाट इनफिनिटी. इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इनफिनिटी मतलब इट इज व्हाट पाई बाय 2. सो जब भी r का वैल्यू 0 रहेगा तो मेरा थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 हो रहा है और ये रहता है एंगल बिटवीन इट इज व्हाट 2 रिग्रेशन लाइन. अब पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री मतलब दोनों लाइन हमारी क्या रहेगी इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हेंस वी कैन से दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस टू लाइंस. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एग्जांपल नंबर 29. इफ r इक्वल्स टू 1 देन द लाइंस ऑफ रिग्रेशंस आर डिफरेंट इक्वल परपेंडिकुलर नन ऑफ दिस. इसे भी हम फॉर्मूले से निकालते हैं दैट इज एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन जो हमने देखा था अभी 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर इट इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर. सो यहां पे अगर मैंने r इक्वल्स टू 1 पुट अप किया तो ये तो 1 हो जाएगा मेरा तो 1 स्क्वायर इज व्हाट 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो मेरा tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है इट इज व्हाट 0 मतलब थीटा विल बी इट इज व्हाट
tan inverse of zero, इसका मतलब इट इज व्हाट जीरो, मतलब थीटा का वैल्यू जीरो रहेगा, दैट मीन दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन क्या रहेंगे, व्हाट इक्वल रहेंगे, वो कोइंसाइड करेगी या अदरवाइज पैरेलल रहेंगे हम बोलेंगे। देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन इज वाई बार एक्स बार, एक्स बार वाई बार, एक्स बार एक्स बार, वाई बार वाई बार। तो एक्स बार वाई बार क्या होते हैं, दीज आर द मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मीन वैल्यू मतलब एक्स बार विल बी व्हाट समेशन ऑफ एक्स बाय एन, मतलब जितने भी वैल्यूज रहती है एक्स की उसका सम करके हम उसको एन से डिवाइड करते हैं, मतलब एवरेज वैल्यू उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। और वाई बार मतलब इट इज व्हाट समेशन ऑफ वाई बार, इट इज व्हाट एन, इट इज कॉल्ड एज द मीन वैल्यू ऑफ इट इज व्हाट वाई। ओके, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी रिग्रेशन लाइन की तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए अगर हम वाई ऑन एक्स लिखते हैं तो वाई इक्वल्स टू लिखते हैं इट इज व्हाट ए जीरो प्लस इट इज व्हाट ए वन एक्स। अगर मुझे इसका नॉर्मल इक्वेशन निकालना है पहला वाला, तो ए जीरो का कोएफिशिएंट कितना है वन, उससे मल्टीप्लाई करके मैं समेशन ले लूंगा, देन समेशन वाई इज इक्वल टू एन इन टू ए जीरो प्लस ए वन इट इज व्हाट समेशन ऑफ एक्स। नाउ अब इस इक्वेशन को मैं एन से डिवाइड कर देता हूं तो हो जाएगा समेशन वाई बाय एन इक्वल टू इट इज व्हाट ए जीरो प्लस ए वन समेशन ऑफ एक्स बाय एन। तो ये जो क्वांटिटी है ये मेरी है वाई बार, उसके बाद ये ए जीरो प्लस ए वन और ये रेगेट इज व्हाट एक्स बार। तो देखिए मेरे पास मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन था वाई एन एक्स वाला, तो उसमें वाई और एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया वाई बार और एक्स बार से। वही अगर मैं लिखता हूं रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, उसे सपोज हमने लिखा एक्स इक्वल्स टू बी जीरो प्लस बी वन वाई, इसका भी अगर मैं नॉर्मल इक्वेशन निकालता हूं तो बी जीरो का कोएफिशिएंट वन, वन से मल्टीप्लाई किया और समेशन लिया, तो इसको हम लिखेंगे एन इंटू बी जीरो प्लस बी इंटू समेशन ऑफ वाई। इसे भी आप एन से डिवाइड कर दो, हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स बाय एन इट इज बी जीरो प्लस प्लस बी वन समेशन ऑफ इट इज व्हाट वाई बाय एन। ये मेरा हो गया एक्स बार इक्वल्स टू इट इज व्हाट बी जीरो प्लस बी वन इट इज व्हाट वाई बार। तो ये मेरा यहाँ पे फिर से एक और इक्वेशन मिला जहां पे हमारा रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई एक्स बार और वाई बार को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई दोनों पास होती है मीन वैल्यू से, इसलिए हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर लाइन ऑफ रिग्रेशन इज वॉट एक्स बार एंड वाई बार। तो आई सपोज इट इज क्लियर, इट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। देन 31, द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज गिवन बाय। तो अभी मैंने आपको बताया एक्स एंड वाई कैसे लिखते हैं, पहला ऑप्शन है एक्स इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन आई, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है बिकॉज एक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ इट इज व्हाट वाई, यहाँ पे वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स किया हुआ है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे एक्स को इन टर्म्स ऑफ एक्स किया हुआ है इसलिए ये भी गलत है, और यहाँ पे सेकंड डिग्री आ रहा है मेरे पास। हम अगर लाइन ऑफ रिग्रेशन की बात करें तो लाइन में फर्स्ट डिग्री आता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। सो देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर।